अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई न्यूरल लेक्चर्स की जो वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम, इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो हम इसे कट करें इनसाइड, तो हमें इसकी पेरीफेरी में तो हमें ग्रे मैटर नजर आता है, पेरीफेरी में ग्रे मैटर और इनसाइड वाइट मैटर। सेरिबेलम के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें तो पेरीफेरी में जो होता है वो ग्रे मैटर होता है और इनसाइड होता है बिल्कुल सेंटर में वो वाइट मैटर होता है। अब पहले हम इसके अब वाइट मैटर को डिस्कस कर लेते हैं, ग्रे मैटर की जो लेयर है वो बाद में डिस्कस करते हैं। अब ये वाइट मैटर है, ये वाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर। जो इसका वाइट मैटर होता है ना वो एक ट्री लाइक शेप्स ब्रांचेज बनाता है। इसके ये सेरिबेलम है, ये इसका ग्रे मैटर है और ये वाइट मैटर। वाइट मैटर ट्री लाइक ब्रांचेज बना रहा है, ये सारी ब्रांचेज। इस ट्री लाइक ब्रांचेज को कहते हैं आर्बर, आर्बर विटाए या आर्बर वाइटे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्री लाइक ब्रांचेस ऑफ वाइट मैटर ऑफ सेरिबेलम आर कॉल्ड आर्बर विटाए। उसके बाद हमारे पास है ये, अभी पूरा सेरिबेलम है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये जो कैविटी है ये फोर वेंट्रिकल की कैविटी है और ये एंटीरियर साइड में ये क्या है, ये पोन्स है। ये पोन्स है और ये फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी है, फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी। अब ये सारा है ये वाइट मैटर और ये ग्रे मैटर पेरिफेरी में। अब जो इसके वाइट मैटर है इसके अंदर हमारे पास होते हैं इंटरसेलुलर न्यूक्लाई। ये फोर मैसेज होते हैं इंटरसेलुलर न्यूक्लाई के। अब फोर मैसेज कैसे, मतलब कि यहाँ पे तो एट मैटर है। अब ये सेंटर में अगर लाइन मार्जिन लाइन लगाएं तो ये एक सेरिबेलर हेमिस्फीयर है और ये दूसरा सेरिबेलर हेमिस्फीयर है, ये राइट और ये लेफ्ट। अब इन दोनों में अलग अलग चार न्यूक्लाई होते हैं, मतलब कि इंटरसेलुलर न्यूक्लाई इसमें। अब ये जो सबसे बड़े वाला है, अब इसकी एक एक ही बात करते हैं, सबसे बड़े वाला है ये वाला, ये इसको कहते हैं डेंटेट न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? डेंटेट न्यूक्लियस। ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस है डेंटेट न्यूक्लियस, और इसकी जो मतलब कि ये ओपनिंग शेप है ये कैविटी की तरफ होती है, तो ये कौन सा न्यूक्लियस है? डेंटेट। और जो ये ब्लैक वाला है जो इससे मीडियल है, मतलब ये लेटर से मीडियल जा रहा है, तो ये मीडियल है। ब्लैक वाला कौन सा होता है? ये होता है एम्बोलीफॉर्म, एम्बोलीफॉर्म। और जो ये ग्रीन वाले दो हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ग्लोबोस, ये ग्लोबोस। और जो ये रेड वाला है बिल्कुल मीडियल साइड में, इसको हम कहते हैं फेस्टिजियल, फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब देखिए लेटर से मीडियल साइड जाए तो पहले कौन सा होगा? सबसे लार्जेस्ट डेंटेट। फिर से मीडियल जाए तो कौन सा होगा? एम्बोलीफॉर्म। फिर से मीडियल दो, मतलब ये दो या एक इसके होते हैं राउंडेड शेप न्यूक्लियस, उसको कहते हैं ग्लोबोस। और जो बिल्कुल मीडियल होता है ये रेड कलर का, इसको हम कहते हैं फेस्टिजियल, फेस्टिजियल न्यूक्लियस। अब इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक है बिल्कुल लेटर से मीडियल अगर हम तीन में जाए तो निमोनिक इसका है डोंट ईट ग्रीजी फूड। ओके, डी फॉर डोंट, एम्बोलीफॉर्म ईट, ग्लोबोस ग्रीजी और फेस्टिजियल फूड, इसका निमोनिक। ये इंटरसेलुलर न्यूक्लाई हो गया। एक और बात याद रखें कि हम एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोस, एम्बोलीफॉर्म प्लस ग्लोबोस, इन दोनों को हम इंटरपोज न्यूक्लाई भी कहते हैं, इंटरपोज न्यूक्लाई ऑफ सेरिबेलम, इन दोनों को ये भी कहते हैं। मतलब कि अगर कहीं भी बुक्स में लिखा होता है, स्नेल में लिखा होगा कि थ्री मैसेज ऑफ न्यूक्लाई इन दिस सेरिबेलम, फोर भी लिखा होगा लेकिन थ्री भी लिखा होता है, जब थ्री कहते हो इसका मतलब है एम्बोलीफॉर्म ग्लोबोस को प्लस करके इंटरपोज लिखा होगा, इंटरपोज मैटर। जो वाइट मैटर अब ये सेरिबेलम है, ये इसका यहाँ तक वाइट मैटर है, ऊपर सारा ग्रे मैटर है। जो अब ऊपर जो ग्रे मैटर होता है, जो इसका कॉर्टेक्स होता है, उसकी फर्दर तीन लेयर्स होती हैं जिसमें सेल्स होते हैं, वही डिफरेंट सेल्स होते हैं, फर्दर तीन लेयर होती हैं। अब जो ये पोर्शन है, अब जो ये सेरिबेलम का इनर पोर्शन है, अब जो इसकी ये वाली साइड है ये सारी यहाँ तक,
ये अपना इसका सेरिबेलम कॉर्टेक्स मतलब कि जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर, और जो ये वाला है ये व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर में फर्दर तीन लेयर होती है, जो बिल्कुल एक्सटर्नल होती है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर, और जो मिडल होती है उसको हम कहते हैं परकिंजी सेल लेयर, और जो इंटरनल होती है मतलब इनर साइड में होती है ग्रैनुलर लेयर। मॉलिक्यूलर लेयर में दो हम पढ़ेंगे कि दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, स्टीलेट और बास्केट सेल्स, और परकिंजी सेल लेयर में परकिंजी सेल होते हैं, और जो ग्रैनुलर लेयर है इसमें ग्रैनुलर सेल होते हैं और गोल्जी सेल्स होते हैं। अब इसमें अब ये हमारा व्हाइट मैटर है और ये ग्रे मैटर की लेयर है। जो व्हाइट मैटर है इसमें हमारे पास डीप न्यूक्लाई, ये डीप न्यूक्लाई होगा। अब बढ़ेंगे इसमें होता क्या, मतलब प्रोसेस क्या होता है। अब होता है कि हमारे पास ये जो हमारे सेल है नीचे मेडुला में इंफीरियर ऑर्गेनरी न्यूक्लियस है, वहाँ से जो मतलब कि उसके न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स आते हैं, मतलब कि उसके फाइबर आ रहे हैं, ये फाइबर आ रहे हैं। ये अब एक बात जैसे याद रखनी कि ये आउटपुट है, आउटपुट ये भी इनपुट है और ये भी इनपुट, मतलब यहाँ से फाइबर अंदर जाएंगे और यहाँ से फाइबर बाहर आएंगे आउटपुट आएगा। अब ये फाइबर जा रहे हैं, अब ये है इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। अब हम जानते हैं कि ओलिवरी न्यूक्लियस से जितने भी फाइबर निकलते हैं वो सारे होते हैं क्लाइंबिंग, और बस जो ओलिवरी न्यूक्लियस निकलते हैं वो क्लाइंबिंग होते हैं, और जो बाकी बाकी जितने भी फाइबर आते हैं वो मौजूद होते हैं। क्या जो ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर निकलते हैं वो होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, और बाकी जितने भी फाइबर सेरिबैलम में आते हैं वो सारे मौजूद होते हैं, मौजूद फाइबर। अब ये ओलिवरी न्यूक्लियस आ रहे हैं तो ये कौन फाइबर क्लाइंबिंग। अब ये ऊपर जाने पर ना यहाँ पर ना एक मतलब के एक्सोन दे देते हैं इसको, डीप न्यूक्लाई को, ये डीप न्यूक्लाई, डीप न्यूक्लाई इसमें डेंटेट एम्बोलिफॉर्म ग्लोबोस और फिस्टिजे सारे आ जाते हैं, इसको ये एक्सोन दे देते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये इसको एक्टिवेट कर देता है, पॉजिटिव साइन कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट कैसे करता है, यहाँ ये एस्पार्टेट रिलीज कर देता है, ASP एस्पार्टेट रिलीज करता है, इसको एक्टिवेट कर देता है, मतलब कि ये हैप्पी फेस हो गया, ये इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये भी क्लाइंबिंग फाइबर्स हैं क्योंकि ये ओलिवरी न्यूक्लियस जो फाइबर है वो क्लाइंबिंग करते हैं, तो ये ऊपर चलेंगे एंड वाली लेयर में, ये एंड वाली लेयर में चलते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जाकर ना परकिंजी सेल को ना एक्टिवेट कर देते हैं, परकिंजी सेल को। अब परकिंजी सेल जो होते हैं परकिंजी सेल लेयर वाले जो है सेल है बड़े, परकिंजी सेल बहुत से परकिंजी सेल लेयर के, इनको किसने एक्टिवेट किया, क्लाइंबिंग फाइबर्स ने एक्टिवेट किया, तो ये भी हैप्पी फेस वही याद रखने के लिए। तो क्लाइंबिंग ये परकिंजी सेल की ये डेंड्राइट्स हैं, इसके मॉलिक्यूलर लेयर में जो इसके एक्सोन होते हैं ना वो नीचे व्हाइट मैटर में चले जाते हैं, तो इसके डेंड्राइट्स उसे एक्टिवेट कर दिया। तो परकिंजी सेल क्या करता है, ये इधर डीप न्यूक्लाई को इनहिबिट कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है बाय रिलीजिंग गामा अमाइनोब्यूटायरिक एसिड, गामा को रिलीज करके इसको इनहिबिट कर देता है डीप न्यूक्लाई को। फिर अब क्या होता है कि दूसरे, अब ये तो हो गए क्लाइंबिंग फाइबर्स, अब जो सेकेंड इनपुट होती है कि all other fibers other than from fibers from coming from inferior olivary nucleus, all other fibers जो मौजूद फाइबर होते हैं ये आएंगे होगा, ये अब आ रहे सेरिबैलम के अंदर। अब ये क्या करते हैं कि ये भी मतलब कि जाने से पहले ना यहाँ पर एक्सोन दे देते हैं इसको डी न्यूक्लियस को, जो क्या करते हैं ये भी इसको एक्टिवेट कर देता है। और इधर लेकिन इसमें जो वो न्यू ट्रांसमीटर होता है वो होता है ग्लूटामिन, ग्लूटामिन ट्रांसमीटर होता है। अब क्या होता है कि ये मोदे फाइबर्स अभी ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पर मतलब कौन सी लेयर थी, इनर लेयर, ग्रैनुलर लेयर, इसमें ना ये ना अपने इसको स्टिमुलेट कर देंगे, इसके हर डेंड्राइट के साथ ना साइनैप्स करके इसको स्टिमुलेट कर देंगे ग्रैनुलर सेल्स को, ये हो गया एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया। अब ये मोदे फाइबर्स मतलब यहाँ बताते हैं इसको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब जो ये मोदे फाइबर्स हैं इनके ना ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये तो होते हैं ग्रैनुलर लेयर में, लेकिन जो इनके एक्सोन्स होते हैं वो सीधा ऊपर जाते हैं, ये देखें ये ऊपर जा रहे हैं और ये टी शेप टर्मिनेट रहते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में। अब यहाँ पर एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं ये ग्रैनुलर सेल्स, इसको मान लेते हैं ग्रैनुलर सेल्स। अभी यहाँ भी ये इसको भी एक्टिवेट कर देंगे मोदे फाइबर इसको एक्टिवेट कर देंगे इसके डेंड्राइट्स को, तो ये इसके एक्सोन्स भी ऊपर जाके यूं टी शेप में डिवाइड करते हैं, और भी होते हैं ऐसे, ये दो बने बस। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे ये क्लाइंबिंग फाइबर क्या होगा कि इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं और ये एंटर होते हैं सेरिबैलम में और फाइनल क्लाइंब करके ना मॉलिक्यूलर लेयर में जाके परकिंजी सेल को एक्टिवेट करते हैं। परकिंजी सेल क्या करता है, वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं इनहिबिट रहता है इसको क्या नाम है डीप न्यूक्लाई को, यहाँ पर गैबा रिलीज करके, और
मोदी फाइबर्स क्या करते हैं, ये आते हैं ये भी पहले इसको एक्टिवेट करते हैं, बाद में ऊपर जाते हैं इनको एक्टिवेट करते हैं ग्रेनुलर सेल्स को। अब ग्रेनुलर सेल्स क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गई समझ आ गई। अब ग्रेनुलर सेल्स क्या करते हैं, अब ग्रेनुलर सेल्स का काम ये होता है कि अब जो और प्रगंज सेल है ये जो पहले से मौजूद है, समझ लें यहाँ पर प्रगंज सेल बने हुए हैं जिसके एक्सोन्स नीचे जा रहे हैं और डेंड्राइट इसके ऊपर, यहाँ पर भी एक्सोन्स नीचे डेंड्राइट ऊपर। तो अब ये क्या करते हैं, ये इन इन इनको एक्टिवेट कर देते हैं, क्या रिलीज करके ग्लूटामेट, इसको ये भी एक्टिवेट कर देते हैं, इन प्रगंज सेल को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये ग्रेनुलर सेल अब क्लाइमिक फाइबर्स क्या करते हैं, प्रगंज सेल को एक्टिवेट करते हैं डायरेक्टली, लेकिन मोसेस फाइबर्स क्या करते हैं, प्रगंज सेल को एक्टिवेट करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू ग्रेनुलर सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स के जरिए इनको एक्टिवेट कर देते हैं। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये एक्टिवेट हुए तो अब यहाँ पे जो दूसरे डीप न्यूक्लिया होंगे ये आते हैं डीप न्यूक्लिया को इनहिबिट कर देते हैं, ये प्रगंज सेल वैसे ही इसको इनहिबिट कर देंगे गाबा रिलीज करके। तो क्या होगा कि आउटपुट जो है वो डीप न्यूक्लिया से बाहर जाएगी, आउटपुट इनहिबिटरी आउटपुट जाएगी। अब एक तो ये हो गया कि अब मोदी फाइबर भी क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट करते हैं ग्रेनुलर सेल्स को, और ग्रेनुलर सेल्स क्या करते हैं इनको प्रगंज सेल एक्टिवेट रहते हैं, अब प्रगंज सेल फिर दोबारा ये डीप न्यूक्लिया को इनहिबिट कर देते हैं और आउटपुट इनहिबिट हो जाती है। अब हमारे पास जो दूसरे सेल्स हैं उनका क्या काम है, जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल में मैंने बताया कि एक होता है स्टार शेप सेल और एक होता है बास्केट सेल। अब यहाँ पर हम और जरा प्रगंज सेल ड्रा कर लेते हैं, ये प्रगंज सेल और ये प्रगंज सेल। अब यहाँ पर स्टार शेप स्टीरियड सेल होते हैं, ये स्टार शेप स्टीरियड सेल और ये बास्केट सेल्स, बास्केट सेल। अब जो ये ग्रेनुलर सेल्स यहाँ से इसकी एक्सोन आ रहे थे ये क्या करते हैं, इनको एक्टिवेट कर देते हैं इस स्टार शेप सेल्स को और सीरियड सेल को, इनको एक्टिवेट कर देते हैं। कौन से फाइबर एक्सोन एक्सोन किस न्यूरॉन्स के एक्सोन, ग्रेनुलर सेल्स के, ये बास्केट सेल्स को और स्टार शेप सेल को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जो स्टार शेप बास्केट सेल है ये इन प्रगंज सेल को इनहिबिट कर देते हैं। अब देखें ये तीन है बड़े, एक तो क्या था वो एक्टिवेट हो रहा है क्लाइमिंग फाइबर से, और जो बाकी दो हैं वो ग्रेनुलर सेल से इनहिबिट हो रहे हैं। अब तीन समझ तीन स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनमें से चाहते हैं कि एक जो है ना वो कामयाब हो जाए, जो बाकी हैं वो रह जाए, तो हम ये कहते हैं दूसरों को ना डिप्रेस कर देते हैं और जो एक है उसको हम मतलब कि और कॉन्फिडेंस मोटिवेट करते हैं। तो हमने इसको जो है ना इसको चाहते हैं कि ये एक्टिवेट रहे, ताकि इनको हमने इसलिए एक्टिवेट नहीं किया कि वैल्यूम ओवर एक्टिव ना हो जाए, ये हम एक्टिवेट रह जाए, पर इसको इन दोनों को हमने डिप्रेस कर दिया, तो क्या हुआ ये यहीं पे ना इनहिबिट हो गए बास्केट सेल्स और स्टीरियड सेल की वजह से, ये यहीं पे इनहिबिट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास रह गए ये सेल्स हो गए, अब गोल्गी सेल रह गए। अब गोल्गी सेल क्या करता है कि ना ये ना जब ग्रेनुलर सेल ऊपर जा रहा होता है इसका एक्सोन, तो यहाँ पे ना इसको स्टिमुलेट कर देता है, इसको स्टिमुलेट करता है, तो ये गोल्गी सेल क्या करता है ये इस ग्रेनुलर सेल को इनहिबिट कर देता है, इस ग्रेनुलर सेल को इनहिबिट कर देता है। अच्छा अब ये जरा मुश्किल हो गया, एक थोड़ा सा और जो ये ग्रे मैटर है। अब जो व्हाइट मैटर में क्या होता है डीप न्यूक्लाई होता है, और ग्रे मैटर में क्या है मैंने कहा तीन लेयर्स होती है, तीन लेयर्स, ये मॉलिक्यूलर लेयर, पोटेंशियल लेयर और ग्रेनुलर लेयर। इसका निमोनिक बता रहा हूँ, क्यों इसका निमोनिक, फर्स्ट फर्स्ट लेटर ई और जी, मॉलिक्यूलर लेयर माय, प्रगंज सेल लेयर प्राइवेट, ग्रेनुलर लेयर गार्डन, माय प्राइवेट गार्डन, ये इसका निमोनिक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अब सेल्स इसमें मॉलिक्यूलर लेयर में हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, स्टीलेट सेल और ये बास्केट सेल्स, और प्रगंज सेल लेयर में हमारे पास सेल होता है प्रगंज सेल, और ग्रेनुलर लेयर में कौन सेल होते हैं ग्रेनुलर सेल्स और गोल्जी सेल्स। अब क्या होता है कि ये है इनपुट और ये है आउटपुट। अब इनपुट में हमारे पास जो इंफीरियर ओलिगरी न्यूक्लियस से जो फाइबर होते हैं उनको हम क्लाइमिंग फाइबर कहते हैं, और जो ऑल अदर फाइबर होते हैं उनको मोदी फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि ये वाला ये मोदी फाइबर्स है, मोदी फाइबर्स। अब इंफीरियर ओलिगरी न्यूक्लियस से फाइबर आएंगे, अब इसकी तरह क्लाइम कह रहे ये ना यहाँ पर ना इन डीप न्यूक्लिया को स्टिमुलेट कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे इसको, और फिर ये क्लाइम करके मॉलिक्यूलर लेयर में चले गए, मॉलिक्यूलर लेयर में जाके इन्होंने जाके प्रगंज सेल, जो एक प्रगंज सेल था यहाँ पे
इसको इन्होंने एक्टिवेट किया तो ये पता चल क्या करता है, ये इसको डी मिनरल को इनहिबिट कर देता है, फिर इनहिबिटरी आउट हो जाता है। तो अब उसके बाद हमारे मोदी फाइबर थे, क्या गया था मोदी फाइबर्स की आए थे अंदर, मतलब कि इन्होंने पहले इसको स्टिमुलेट किया डी मिनरल को, फिर ऊपर गए तो इन्होंने ग्रेनुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, ग्रेनुलर सेल या डेंड्राइट्स के एक जोन से फाइनल लेवल जाकर जो टी शेप बनाते हैं। तो ये स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये परमेंजर सेल को जाकर वहाँ पर स्टिमुलेट कर देते हैं मॉलिक्यूलर लेयर में, तो फिर ये परमेंजर सेल जो है ये डी मिनरल को इनहिबिट कर देता है। और उसके बाद हमारे इन सेल्स का क्या फंक्शन था, वास्कुलर स्टीनियर सेल, ये दोनों सेल बेसिकली इनहिबिटरी सेल है ताकि सेरेब्रम ओवर एक्टिव ना हो जाए तो ये दूसरे जो परमेंजर सेल होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। और उसके बाद गोल्जी सेल का क्या फंक्शन था कि जब ये स्टिमुलेट होगा तो ग्रेनुलर सेल इनहिबिट हो जाएंगे, ये ओवरऑल अब इसका प्रोसेस था। और एक और बात याद रखनी है कि जो हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो सिर्फ एक परमेंजर सेल को स्टिमुलेट करते हैं या एक्टिव करते हैं, और जो हमारे पास मोदी फाइबर्स होते हैं वो बहुत सारे परमेंजर सेल को स्टिमुलेट करते हैं, और जो प्रोटीन सेल है वो भी बहुत सारे मोदी फाइबर से स्टिमुलेट हो जाते हैं। और ये माय प्राइवेट गार्डन जिसके लेयर्स के भी बोलेंगे।